स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। आंसर ए बिहार। एक्सप्लेनेशन: बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा डिवीजनों को ब्रिटिश भारत में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए अलग कर दिया गया था। इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश रहता है। पहली बार बिहार दिवस 2010 में मनाया गया था। ये बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? ए यूक्रेन, बी अमेरिका, सी भारत, डी ऑस्ट्रिया। आंसर बी अमेरिका। एक्सप्लेनेशन: मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल अमेरिका ने एक बयान में कहा कि यह पहली बार है कि सुअर की किडनी किसी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। इसके अलावा दो पुरुषों को पिग हॉर्न ट्रांसप्लांट सुअरों से हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, हालांकि दोनों की कुछ महीनों के भीतर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए.आर.के. अग्रवाल, बी अजय नागर, सी परसोत्तम रूपाला, डी विनय कुमार। आंसर डी विनय कुमार। एक्सप्लेनेशन: विदेश मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत है। विनय कुमार 1992 बैच के IFS अधिकारी है। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस से ही करता है। अगला प्रश्न। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहां किया गया? ए ताशकंद, बी शंघाई, सी नई दिल्ली, डी मास्को। आंसर सी नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में SCO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन साल 2001 में स्थापित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत साल 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। अगला प्रश्न। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए अराव एग्रीटेक, बी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, सी प्रोफॉर्म, डी एग्रीएक्स लैब। आंसर बी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक नई तकनीक पहुंचाना है। इसके तहत धानुका एग्रीटेक छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा।